इसी के साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पहले कॉलर हैं ए के जायसवाल जी, यूपी से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ नमस्ते मैम जी। नमस्कार हकीम साहब। आदाब। आदाब जायसवाल साहब, फरमाइए। हकीम साहब, हम ये पी केयर जो है कितना मैक्सिमम ले सकते हैं, कितने बार मतलब यूज कर सकते हैं? ठीक है, और कोई सवाल? मेन में यही है सवाल हमारा, हम 5-6 बॉक्स ले चुके हैं, तो इसके बाद क्या लेते रहें जी? अच्छा, एक दिन में एक बार से लेकर 3 बार तक ले सकते हैं। ज़्यादा तेज़ी से फ़ायदा चाहिए तो 2 बार, उससे तेज़ चाहिए तो 3 बार भी ले सकते हैं। और पी केयर एक ऐसी दवा है जो हमारे शरीर में जो बैलेंस है उसको रखती है, हमारी ग़िज़ा का बैलेंस, हमारे लीवर का बैलेंस, हमारे किडनी का बैलेंस, हमारे हजम का, हाजमे का बैलेंस। और इसको लाइफ टाइम भी लिया जा सकता है। जो लोग हमेशा दवाएं खाते हैं एलोपैथिक, उनको एक कैप्सूल रोज लेना चाहिए ताकि दवाओं के नुकसान से बचा जा सके। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए मेडिसिन रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी करनी होती है तो उसके लिए हेल्पलाइन नंबर से आप लोग जुड़ सकते हैं, क्योंकि कॉलर्स बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे उनके सवाल होते हैं, समय बहुत कीमती होता है और हकीम साहब अपना कीमती वक्त निकाल के आप सभी के साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं। अपना रोग संबंधी कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, सिर्फ आप लोगों को करना क्या है, इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं। आइए बात कर लेते हैं अगले कॉलर से। हमारे साथ मोहन लाल हैं राजस्थान से, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, मोहनलाल राव बोल रहा हूँ। हाँ जी बताइए, प्रश्न करिए। ये मेरे पिताजी 91 ईयर के हैं, उनको क्या है बद हजमी की शिकायत है, उनको मोशन होता नहीं 3-4 दिन तक। ठीक है, तो उसके लिए ट्यूब पे कुछ जैतून का सिरका के बारे में बात दिखा था। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करनी है। हाँ, जैतून का सिरका कहीं मिल जाए तो आप उन्हें 3 चम्मच दिया करें, सुबह 3 चम्मच शाम, पानी में मिलाना ज़रूरी है, 1 गिलास पानी में छोटे 3 चाय के चम्मच मिलाकर उन्हें पिला सकते हैं। ये पेट के लिए, डायबिटीज़ के लिए और इन्फेक्शन के लिए, कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, अगले कॉलर हैं देवचंद हरियाणा से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी, वो मेरे ना पेट के लिए ना मैंने मंगवाया था एक टुकलो कलौंजी का, और ही क्या नाम है, कलौंजी नमक जी, और एक सौंठ, एक जीरा, आंवला जी, 4 चीजें बनाई थी जी, वो मैंने बना लिया जी कुट पीस के, वो ना रात मैंने लिया, इतनी कब्ज हो गई जी, मेरे बाथरूम में भी रुकावट हो गई जी, जड़न इतनी होगी लैट्रिन वाली जगह जी, बहुत ज्यादा जी मेरे को जी। हाँ जी, देखो जी मैं कैसे लूँ जी इसको। अरे अभी तो आपने रात ही लिया है एक खुराक, आप इसे 2 बार लीजिए। हाँ डॉक्टर साहब, मेरे को जलन तो नहीं होनी चाहिए, लाइटिंग वाली जगह ना बहुत ज्यादा जलन हो गई यार, पेट में बहुत ज्यादा भारीपन है, उपारा इतना है, सा नहीं आ रहा जी। देखिए आपने एक खुराक ली है और इसमें सौंफ भी ठंडी है, धनिया भी ठंडा है, आंवला भी ठंडा है, और सौंठ जो है ये हाजमे वाली है, तो आप इतनी जल्दी मत करिए एक खुराक में, तो आप एलोपैथ से ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये आपके सिस्टम में जाता है और थोड़ा 2-4 दिन 5 दिन रुकिए, 2-4-5 दिन में आपको इत्मीनान होने लगेगा, पानी खूब पीजिए गर्म पानी, और आप देखेंगे 5 दिन बाद आप खुद ही फ़ोन करके बताएंगे कि आपको आसानी होने लगी। तो बिल्कुल देखिए, वक्त तो आपको देना होगा, अभी तो आपने शुरुआत की है नुस्खे अपनाने की, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थोड़ी सी दिक्कत परेशानी होती है कुछ दिनों के लिए, लेकिन कुछ लोगों को बहुत जल्दी रिलीफ मिल जाता है। देखिए दर्शकों, नुस्खे वही आप लोगों को बताए जाते हैं जो आपके लिए बहुत कीमती होते हैं और बेहतरीन इलाज है घरेलू नुस्खे, लेकिन जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिएगा, और जितने ग्राम आपको बताया जाता है हकीम साहब, जितने ग्राम आपको बताते हैं कैसे आपको सेवन करना है, कैसे आप लोगों को रॉ मटेरियल लेकर आना है, कैसे बनाना है आपको नुस्खा, तो हर एक बात को आपको नोट डाउन करना होगा, तभी आप लोगों को रिलीफ मिल सकता है, तभी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। हकीम साहब आप सभी के साथ जुड़े हुए हैं, मन में कोई भी सवाल रोग संबंधी चल रहा हो तो आप लोग वो सौभाग्यशाली दर्शक बन सकते हैं, लेकिन संकोच नहीं करना है, परेशानी आपकी है इलाज हमारा है, लेकिन आप लोगों को सतर्क होना होगा, संयम रखना होगा, धैर्य रखना होगा, तभी आप लोगों को कोई भी ट्रीटमेंट लाभ दे सकता है। इसी के साथ कुछ और कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। जी कमलेश जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, ये मैडम मुझे सर से बात करनी है जी। जी जी कमलेश जी बताइए।
हाँ जी, ये सर मुझे सर्वाइकल और साइटिका पेन की बड़ी प्रॉब्लम है रहती है जी। कितनी उम्र है और कब से है? मुझे 47 इयर्स है और मुझे 5-6 साल से सर्वाइकल और साइटिका पेन बहुत है सर, मैं बहुत परेशान हूँ, इसके लिए ट्रीटमेंट बताइए। बेफिक्र हो जाइए और एक एक्सरसाइज सीख लीजिए और एक दवा बना लीजिए। एक्सरसाइज देखिए, ये ऐसे आप करते रहिए दिन भर जितना भी कर सकें, और ऐसे ऐसे करते रहिए आप दिन में 4-4 मिनट ज़रूर करिए इसको। और एक गोंद आता है, गोंद स्याह जिसे काला गोंद भी कहते हैं, और सुबह शाम इसको खाइए, आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम, यानी एक चना या मटर की गोली की बराबर इसकी गोलियाँ बना लें। ये रॉ मटेरियल लेना और इसको पाउडर बनाकर इसकी गोलियाँ बना सकते हैं, आपका ठीक होना मुमकिन है। बिल्कुल, तो आपका ठीक होना मुमकिन ज़रूर है, लेकिन आपको वैसे ही ये बनाना होगा नुस्खा जैसे अभी हकीम साहब ने आपको बताया है। दर्शकों देखिए, कोई भी बात सुनने से अगर आप लोग चूक जाते हैं, छूट जाते हैं, तो परेशान नहीं होना है। कोई भी आप लोगों को रॉ मटेरियल ऐसे ही नहीं मिला के बना देनी है। देखिए, आप लोगों को लाभ अगर उठाना है तो प्रॉपर डिटेल आपके पास होनी चाहिए। हेल्पलाइन नंबर लगातार दिखाए जा रहे हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर अपनी डिटेल में बात कर सकते हैं। यहाँ पर समय का अभाव होता है और बहुत सारे कॉलर्स हमारे साथ जुड़े होते हैं, सभी से बात भी नहीं हो पाती है। तो सभी से कहना चाहूँगी, जिनका कॉल अभी कार्यक्रम में नहीं लग पाता है, आप लोग हेल्पलाइन नंबर से जुड़ सकते हैं, नुस्खे आप लोग बेहतरीन जान सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हाँ जी, हम पूछना चाहते हैं, नुस्खे, हमारे सिर में दर्द बहुत होता है, सारे पीठ में दर्द होता है, पीठ में, सारे बॉडी में, पूरे बॉडी में दर्द। मधु जी उम्र बता दीजिए आप अपनी। हाँ जी, एज आपकी कितनी है? मेरी 52 जी। ये उम्र है दर्द, और एक तो इलाज आप लेते होंगे बहुत दिन से, एक इलाज मैं बता रहा हूँ, लेकिन ये थोड़ा संयम रखने वालों का इलाज है। और एक बहुत मशहूर गोंद आता है जिसको हम गोंद सिया या काला गोंद कहते हैं, ये आप 100-200 ग्राम खरीद लें, लेकिन असली लेना, इसमें नकली भी बहुत मिलता है। आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाएं और आप देखेंगे कि ये फ़ायदा तो आपको 5 दिन बाद या 8 दिन बाद करेगा, थोड़ा थोड़ा रोज़। और ये 100-200 ग्राम खरीदने पर आपका ये ख़त्म नहीं हो पाएगा कि आपको फ़ायदा होना मुमकिन है जी। अगले कॉलर हैं वाराणसी से, सार्थक हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हेलो, हाँ जी, प्रश्न करिए। मैम, वो मेरी माँ है, उनका उम्र 45 साल का है, ठीक है, और उन्हें थायराइड का बीमारी, उनका वजन बढ़ता जा रहा है जी, उसका कुछ उपाय बताइए कैसे सही होगा। जी जी बेटा, ये बताइए, आपके पास पेन कॉपी है ना? आपने फोन किया, आपके पास पेन कॉपी जरूर होनी चाहिए, जो लोग भी फोन करने पेन कॉपी, हाँ पेन कॉपी है, लिख लीजिए, गलती मत करिए। पेन या मेरी आवाज़ टेप कर लीजिए, आप तो मॉडर्न बच्चे हैं, और अच्छी बात यह है कि अपनी माँ की फिक्र कर रहे हैं। सबसे कदरदानी वाली बात यह है कि आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं। ये रोग भी ठीक हो सकता है, लेकिन थोड़ा संयम रखना, जो दवाई दे रहे हैं वो देते रहें। और 300 ग्राम धनिया लीजिए, 300 ग्राम धनिया, 100 ग्राम आंवला, 100 ग्राम मेथी, और 100 ग्राम इसमें मिलाइए गोंद मोरिंगा, इसको आप पाउडर बना के एक चम्मच सुबह एक चम्मच शाम माता जी को खिलाएं अपनी, और आप देखेंगे कि हर महीने उनकी जो गोली चल रही है उसकी पोटेंसी आपके डॉक्टर के मशवरे से कम होती जाएगी, और एक दिन उनकी वो गोली छूट जाएगी और कुछ दिन बाद ये नुस्खा भी छूटना मुमकिन है जी। अगले कॉलर हैं गुड्डी हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से, स्वागत है आपका। नमस्कार जी मैम। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरे को ये प्रॉब्लम है, जब मैं बाथरूम जाती हूँ ना, हेलो, तो बाथरूम जाने के बाद मेरे को हल्का सा वो गीला गीलापन हो जाता है, और उसमें ना बहुत स्मेल आ जाती है और बहुत गीला गीला रहता है हमेशा, और कमर में दर्द होती थी बैक साइड जी। ठीक है। हाँ जी,
एक गौंद आता है, गौंद मोरिंगा, ये आप 1400 ग्राम खरीद लें, और ये सफ़ेद वाला लेना, सफ़ेद किस्म का होता है एक, नकली मत लेना, गौंद मोरिंगा। और इसमें आप आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम पानी में मिला लें। ये रॉ मटेरियल लेना है और पाउडर बनाना है घर में, असली लेना है और ये पानी में आधा ग्राम मिलाकर आप पिया करें, आपकी ये दोनों परेशानियाँ ठीक होना मुमकिन है। बिल्कुल हकीम साहब, जैसे कि गौन मोरिंगा की बात आपने यहाँ पे की है, तो ये भी कई तरीके का होता है, मतलब कई तरीके का मिलता है मार्केट में? हाँ देखिए, एक तो नकली बहुत मिलता है जी, फिर अगर किसी को मिल भी जाता है तो वो थोड़ा लाली लिए होता है, लाल लाल सा होता है। ठीक है, लाल होने का मतलब होता है कि वो ऑर्गेनिक नहीं है, यानी जो सब्जियां और दवाइयां इस्तेमाल होनी चाहिए वो ऑर्गेनिक होनी चाहिए, यानी जिनमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना हो। फर्टिलाइज़र वाले गौंद लाल हो जाते हैं, और जो गोबर की खाद जिसे आसान जबान में कहते हैं हमारे गांव में, गोबर की खाद वाला जो ऑर्गेनिक कहलाता है, जिसमें केमिकल ना डले हों, ये बहुत तेज़ी से फ़ायदा करता है। तो ये सफ़ेद किस्म का होता है और इसको रॉ मटेरियल ही लेना चाहिए, कोई कहे कि पिसा पिसा ले लो तो मत ले, और आधा आधा ग्राम खाने से आपको फ़ायदा मुमकिन है। तो बिल्कुल दर्शकों, इसलिए बार बार आप लोगों को कार्यक्रम के माध्यम से बताया जाता है कि जो भी रॉ मटेरियल बताए जा रहे हैं, असली नकली में पहचान कर लीजिएगा, तभी आप लोगों को लाभ मिल सकता है। अगर कोई भी रॉ मटेरियल आपको नहीं मिल पाता है, जैसे कि गौन मोरिंगा हो, गौन सिया हो, या फिर जैतून का सिरका हो, एलोवेरा का सिरका हो, अगर ये सब भी चीज़ें मिलने में आपको थोड़ी मुश्किल होती है, आप लोग बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं तब भी आपको नहीं मिल पाता है, असली नहीं मिल पाता आप लोगों को, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, हकीम साहब की कंपनी से भी मंगवा सकते हैं, जिसका नाम है अतिया हर्ब्स। दर्शकों, अतिया हर्ब्स एक ब्रांडेड कंपनी है, 500 से भी ज़्यादा इसकी फ्रेंचाइजी देश भर में है, जिसके फाउंडर प्रमोटर रिसर्चर हैं हकीम सुलेमान खान साहब। आप सीधा हमारी कंपनी से, हकीम साहब की कंपनी से भी इन सभी रॉ मटेरियल को मंगवा सकते हैं, लेकिन इंतजार के साथ, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा होती है। इसी के साथ कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मुंबई से हैं, स्वागत है आपका। जी जी, नाम बताइए। शैलेश। शैलेश जी, तेज आवाज में बात कीजिए और टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। हाँ, टीवी का वॉल्यूम मैंने बहुत कम कर दिया। ठीक है, सवाल करिए। मैं हकीम साहब से बात करना चाहता था। जी, हम बात कर रहा हूँ, बताइए। हाँ जी, मैं पिछले 8 महीने से लीवर की बीमारी से पीड़ित हूँ। मेरी एलोपैथी की दवाई चल रही है। एलोपैथी की दवाई की वजह से अभी थोड़ा कुछ राहत है, लेकिन अभी पिछले समझिए 1 महीने से मेरे दोनों पैर में बहुत सारी सूजन आ रही है। तो सूजन का रीजन क्या हो सकता है और इसको कैसे मिटा सकते हैं, वो मुझे जानना था। ठीक है। अच्छा देखिए, लीवर एक अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है, और मैं आपको ऐसे नुस्खा बताता हूँ कि आपकी पैरों की स्याही, जो सूजन आ रही है, ये भी ठीक हो, लीवर भी ठीक हो, पेट भी ठीक हो और सेहत भी ठीक हो। तो आसान है नुस्खा, आप इसे ले सकते हैं। अलसी 100 ग्राम और गौंद मोरिंगा 100 ग्राम। अलसी को थोड़ा भून लें और गौंद मोरिंगा को पाउडर बनाएं। ये आप रॉ मटेरियल ही लेना, इसको पाउडर बना के 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम पानी के साथ लें, और पानी थोड़ा ज़्यादा पिए और अपने डॉक्टर की दवाई भी खाते रहें, तो आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, अगली कॉलर हैं प्रवीण लुधियाना से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हाँ जी। जी बताइए, सवाल करिए अपना। हाँ जी मैम, मेरे को ना जो जैसे बैठते हैं तो बैठने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, जो टेल बोन की प्रॉब्लम होती है ना, वो वाली है। बेड पे बैठना हो या कुर्सी पे बैठना हो, बहुत ज्यादा दिक्कत है, बैठ नहीं सकती मैं आराम से। एज और बता दीजिए अपनी, आपकी आयु कितनी होगी? हाँ जी, 55। 55।
तो देखिए इस उम्र में ये परेशानी आती है हर किसी के साथ, ख़ासतौर पर महिलाओं के साथ, और इसको ठीक होना भी इतना ही आसान है, लेकिन यूनानी वालों को थोड़ा संयम बरतना चाहिए, क्योंकि दर्द की दवाएं तो आपने बहुत खा ली होंगी, और ये मर्ज़ की दवा मैं आपको बताता हूँ, अक्सर सबको बताता हूँ, हर घर में तक ये बात पहुँच गई है, और जिन लोगों ने इसको इस्तेमाल किया उनको बहुत फ़ायदा मिला। गौंद स्याह 100-200 ग्राम असली ख़रीदें, असली होना बहुत ज़रूरी है किसी रोग में फ़ायदे के लिए, और आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाया करें, और वेस्टर्न टॉयलेट आपके घर में होना ज़रूरी है, और ये आप शुरू करेंगे तो फ़ायदा होगा 5-7 दिन बाद, 8 दिन बाद, लेकिन जैसे फ़ायदा शुरू होगा तो वो रोग से निदान है, ये दर्द की दवा नहीं है, रोग के जड़ पे काम करता है, और ये 100-200 ग्राम ख़त्म होते होते आपका अच्छा होना मुमकिन है।